तो फाइनली गाइस यार मुझे ये वाले न्यू ट्रेन का कलर चेंज करने का ऑप्शन अपनी इंडियन वैक्स वाली गेम के अंदर मिल चुका है। नहीं, अरे हाँ यार गाइस मुझे अपनी गेम के अंदर वाला न्यू ट्रेन का कलर चेंज करने का ऑप्शन अपनी गेम के अंदर देखने को मिल चुका है। अबे साले, अरे हाँ यार गाइस क्योंकि आज के सली वीडियो के अंदर फिर से हम सब लोग मिथ बसेस को कंफर्म या फिर बस करने जा रहे हैं, तो इसी वजह से गाइस यार वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने जा रही है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लेना। अगर अभी तक आप लगने हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना कोई देरी करे जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ नहीं आप लोग वीडियो को लाइक करो ना चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट से हमारे वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आप सब लोग के पास अपना कोई सभी मित्र तो इसी वीडियो के नीचे अपना मित्र कमेंट कर देना। चलो आप सब लोग का बिना कोई टाइम गवाए फटाफट से हम लोग अपने सबसे पहले मित्र की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पर मुनगिरी लगा अगर हम किसी भी गाड़ी को आरपीजे से फोड़ते हैं तो वो बहुत ऊपर जाती है और उसके पार्ट और भी ज्यादा ऊपर जाते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी मुनगिरी यहाँ पर लगा लेते हैं 7112 के शीट को नंबर से, उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना व्हीकल स्पॉन कर लेते हैं। तो मैं तो यहाँ पर अपनी फेवरेट कार यहाँ पर स्पॉन कर ले वाला हूँ जो की थार 9090 इसका चीट को नंबर है। तो यहाँ पर हमारी थार आ चुकी है। चलो मैं इसको यहाँ पर आरपीजे से ब्लास्ट करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने इसको ब्लास्ट कर दिया, आप लोग यहाँ पर देख सकते भाई साहब, यहाँ पर भाई साहब जो हमारी थार है वो बहुत ज्यादा ऊपर उड़ चुकी है। यहाँ पर इसके जो दरवाजे हैं वो इससे भी बहुत ज्यादा ऊपर उड़ चुके हैं भाई साहब, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एंड काफी धीरे से यहाँ पर नीचे आ चुके। चलो मैं इस बार यहाँ पर मैं अपनी बाइक को स्पॉन करता हूँ, फिर बाइक को ब्लास्ट करते हैं, फिर बाइक देखते हैं यहाँ पर हमारी ऊपर उड़ती है या फिर नहीं। तो बाइक आ चुकी है, यहाँ पर मैंने बाइक को ब्लास्ट कर दिया। अरे भैंस की आंख, बाइक तो यहाँ पर पता नहीं कहाँ पर चलेगी, बाइक तो यहाँ पर पता नहीं कौन से आसमान पर यहाँ पर चलेगी। यहाँ पर मैंने अपने मिनी जेट पे को स्पॉन कर लिया। चलो फटाफट से हम लोग बाइक के पास चलते हैं, देखते हैं बाइक आखिरकार हमारे यहाँ पर उड़ के गई कहाँ है यहाँ पर मून ग्रेविटी के अंदर। भाई साहब बाइक तो मेरे ख्याल से पता नहीं कौन से यहाँ पर आसमान के अंदर चली गई होगी, पता नहीं ऊपर यहाँ पर एरोप्लेन को लग चुकी होगी। वो देखो हमारी वो रही बाइक, यहाँ पर आप लोग देखो बाइक हमारी कितने ऊपर उड़ चुकी थी। अब यहाँ पर धीरे धीरे से यहाँ पर नीचे भी आ रही है, मेरे ख्याल से नीचे आने से पहले यहाँ पर ये डिस्पोन होने वाली है मेरे ख्याल से। तो काफी ज्यादा इसको टाइम हो गया ब्लास्ट हुए हुए। यहाँ पर देखो ये तो बाइक हमारी नीचे ही नहीं गिरी भाई साहब, यहाँ पर ये हमारी बाइक डिस्पोन होगी हवा के अंदर। बाकी यहाँ पर ये वाला मैथ हमारा कंफर्म होता है, अगर हम लोग मून ग्रेविटी लगा किसी भी व्हीकल को यहाँ पर हम लोग ब्लास्ट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाता है। एंड अगर कार हो तो उसके यहाँ पर पार्ट भी उससे भी ज्यादा ऊपर उठते हैं। हम किसी भी व्हीकल में बैठेंगे तो उसके अंदर एंटर वाला ऑप्शन थोड़ा नीचे हो चुका है। तो चलो फटाफट से यहाँ पर अपने यहाँ पर किसी भी यहाँ पर व्हीकल को स्पॉन कर लेता हूँ। चलो यहाँ पर अपनी फेवरेट बाइक को स्पॉन कर लेता हूँ जो कि स्प्लेंडर इसका चीट कोड नंबर 9000। यहाँ पर ये रही हमारी स्प्लेंडर, आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसके अंदर यहाँ पर जो बैठने का बटन है यहाँ पर मैंने दबा दिया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो हमारे ब्रेकिंग वाला है, ब्रेकिंग वाला बटन। एंड यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर व्हीकल के अंदर इंटर एंड यहाँ पर व्हीकल से उतरने वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सच्ची में यहाँ पर नीचे हो चुका है। बल्कि यहाँ पर ये जो हमारा इंटर वाला ऑप्शन है मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत यहाँ पर यहाँ तो ऊपर हुआ करता था या फिर छोटा हुआ करता था। आप सब लोग यहाँ पर देखो ये तो अब तो बिल्कुल यहाँ पर ब्रेक से यहाँ पर चिपका हुआ है, आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो। हालांकि आप सब लोग उतरने वाला बटन दबाओगे तो आप सब लोग का ब्रेक भी लग सकता है। तो ये वाला मिथ हमारा कन्फर्म है। यहाँ पर अगले मिथ की तरफ बढ़ते हैं। मिथ 911 डायल करते हैं तो इमरजेंसी सर्विस लिखा हुआ आएगा और 112 डायल करेंगे तो कॉलिंग लिखा हुआ आएगा। तो चलो फटाफट से इस मिथ को हम लोग यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपनी स्विमिंग पूल से बाहर आ चुका हूँ, आप अपनी सेलफोन निकालते हैं एंड फिर 911 डायल करते हैं। तो मैंने अपनी सेलफोन निकाल दिया, यहाँ पर मैंने 911 डायल कर दिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सच्ची में मेरे को तो यहाँ पर इमरजेंसी सर्विस लिखा हुआ आ रहा था, उसकी यहाँ पर झलक देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर मैंने 911 डायल कर दिया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप लोग को भी यहाँ पर इमरजेंसी सर्विस अब तो लिखा हुआ आएगा, मतलब क्या देखने को मिल रहा होगा। एंड यहाँ पर देखो जैसे मैं यहाँ पर 112 डायल कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा कॉलिंग ही लिखा हुआ आएगा क्योंकि ये तो किसी चीज का भी यहाँ पर चीट को नंबर नहीं है। 911 डायल करते हैं तो यहाँ पर इमरजेंसी सर्विस लिखा हुआ आता है एंड 112 से यहाँ पर हमारा कॉलिंग लिखा हुआ है गेम के अंदर। तो यहाँ पर ये वाला मिथ हमारा कन्फर्म होता है यार। यहाँ पर ये वाला मिथ सेटिंग में स्टेयरिंग करो फिर बाइक एंड कार में बैठो तो स्टेयरिंग आ जाएगा। तो चलो फटाफट से हम लोग इस मिथ को यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपनी बाइक स्पॉन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं 3000 के चीट को नंबर से अपनी कावासाकी निंजा H2R को स्पॉन कर लेता हूँ एंड फिर उसके आगे यहाँ पर हम लोग अपनी रोल्स रॉयस को स्पॉन कर लेंगे 2000 के चीट को नंबर से, मतलब की 2000 के चीट को नंबर से। यहाँ पर दोनों आ चुके हैं, चलो इनके अंदर बैठते हैं। मैंने तो स्टेयरिंग पहले से ही लगा के रखा है। चलो फटाफट से इन दोनों के अंदर यहाँ पर मेरे को बैठने का भी भाई साहब यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। तो चलो इनके अंदर बैठते हैं। यहाँ पर आप लोग देखो मेरे कैरेक्टर ने रॉयस रॉयस का दरवाजा खोला पर बाइक के अंदर बैठ चुके हैं। यहाँ पर देखो बाइक के अंदर भी मेरे को स्टेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है भाई साहब यहाँ पर देखो। और यहाँ पर देखो चल भी यहाँ पर दोनों ही रही है, फर्स्ट पर्सन कर रहा हूँ तो रॉयस रॉयस के अंदर दिखा रहा है। और भाई साहब ये कोई अजीब नहीं हो गया, यहाँ पर देखो मेरी बाइक के अंदर तो हैंडल है पर यहाँ पर बाइक को कंट्रोल करने के लिए मेरे को यहाँ पर अपना स्टेयरिंग व्हील आ रहा है भाई साहब। ये कोई खतरनाक सी यहाँ पर चीज हो चुकी है यहाँ पर। तो भाई साहब यहाँ पर आप लोग देखो मैं कंट्रोल भी यहाँ पर दोनों को ही कर पा रहा हूँ पर भाई साहब मेरे को तो ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। एंड यहाँ पर देखो रॉयस रॉयस यहाँ पर भाई साहब स्विमिंग पूल के अंदर जाने वाली थी, फिर तो यहाँ पर बाहर ही नहीं निकलती। आप लोग यहाँ पर देखो हमारा बंदा बाइक को कैसे भाई साहब यहाँ पर ड्राइव कर रहा है, बल्कि बाइक को ड्राइव तो छोड़ो यहाँ पर ये बाइक को स्टीयरिंग व्हील से यहाँ पर ड्राइव कर रहा है। एंड यहाँ पर देखो बाइक को ड्राइव ये ऊपर उठकर कर रहा है, पता नहीं भाई साहब ये कोई हैवी ड्राइवर वगैरह है या फिर नहीं पता नहीं क्या। एंड यहाँ पर देखो मैं रॉयस रॉयस को भी यहाँ पर चला पा रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं रॉयस रॉयस को भी कंट्रोल कर पा रहा हूँ, बाइक भी कंट्रोल हो रही है पर यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील से हो रही है। तो ये वाला मिथ हमारा कन्फर्म है। यहाँ पर ये वाला मिथ
अगर आप आज में जाके फोन का कलर ग्रे लिखोगे और कैमरा चेंज करोगे तो उसका कलर व्हाइट आप सब लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अपने सेलफोन निकालता हूँ एंड आरजेसुल के अंदर हम लोग यहाँ पर फोन कलर ग्रे देखते हैं। हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पसंद करके देखते हैं कि यहाँ पर ग्रे कलर हम लोग को व्हाइट देखने को मिलता है यहाँ पे नहीं। यहाँ पर मैंने ग्रे लिख दिया एंड यहाँ पर मैंने टिक कर दिया। भाई साहब यहाँ पर तो मेरा ग्रे कलर ही नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से मेरे से थोड़ी बहुत यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है। चलो फटाफट से एक और बार यहाँ पर मैं फोन कलर यहाँ पर ग्रे लिख देता हूँ, पर अब की बारी जी आर ए वाई लिखूंगा। तो यहाँ पर मैंने टिक कर दिया, अब हमारी फोन का कलर यहाँ पर ग्रे हो चुका है। अब चलो फटाफट से यहाँ पर मैं फर्स्ट पसंद करता हूँ, फिर देखते हैं हमारे फोन का कलर हम लोग को ग्रे है पर यहाँ पर व्हाइट देखने को मिलता है या फिर नहीं। यहाँ पर देखो फर्स्ट पसंद कर दिया, पर अभी भी भाई साहब यहाँ पर मेरे को ये व्हाइट ही मतलब व्हाइट तो नहीं ग्रे देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पर देखो जब मैं इसको सूरज की रोशनी के पास लेके आया तो अब आप सब लोग यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मेरे को ग्रे कलर यहाँ पर व्हाइट देखने को मिल रहा है। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो सूरज की रोशनी हमारी यहाँ पर मतलब की सेलफोन के अंदर पड़ रही है, तो हम लोग को यहाँ पर व्हाइट देखने को मिल रहा है। पर अगर मैं फर्स्ट पसंद से हटा रहा हूँ यहाँ पर हम लोग को नॉर्मली ग्रे कलर देखने को मिल रहा है एंड फर्स्ट पसंद कर रहा हूँ सूरज के पास इसको रख रहा हूँ तो यहाँ पर इसका कलर यहाँ पर व्हाइट हो जा रहा है हमारे इंडियन मैक्स अंदर गेम के अंदर। ये वाला मैथ हमारा कन्फर्म्ड है यहाँ पर। तो फिर चलो हम लोग यहाँ पर अगले मैथ की तरफ बढ़ते हैं। मैथ अगर आप ओल्ड या न्यू हाउस के स्टेयर में एंड में जाते हैं तो वो अटक जाता है, जंप नहीं करते। तो चलो फटाफट से हम लोग इस मैथ को ट्राई करते हैं। तो मैं ये रहा अपने घर के अंदर न्यू हाउस के अंदर एंड आप लोग यहाँ पर देखो मैं इसकी स्टेयर से यहाँ पर चल रहा हूँ, पर यहाँ पर मेरा कट तो यहाँ पर किसी भी जगह पर यहाँ पर नहीं अटका है। चलो मैं यहाँ पर धीरे से यहाँ पर नीचे चलता हूँ एंड यहाँ पर जंप नहीं करता हूँ, फिर देखते हैं यहाँ पर हमारा बंदा अटकता है या फिर नहीं एंड में। तो यहाँ पर मैं एंड में आ गया एंड यहाँ पर देखो मेरा बंदा तो यहाँ पर अटक नहीं रहा और यहाँ पर मैं जंप भी नहीं कर रहा हूँ और अभी बहुत ज्यादा धीरे रहा हूँ, पर यहाँ पर मेरा बंदा को कुछ भी नहीं हो रहा, मेरा बंदा तो यहाँ पर अटक नहीं रहा। क्या भाई इस सीढ़ी की तो यहाँ पर बात नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग ऊपर ले जगह पर यहाँ पर अटकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऊपर के आगे पर यहाँ पर छोटी बहुत यहाँ पर दिक्कत बनी हुई है। यहाँ पर देखो मैं जैसे नीचे आ रहा हूँ यहाँ पर इस सीढ़ी पर भी यहाँ पर हमारा करेक्टर नहीं अटक रहा है, पर यहाँ पर जो हमारी स्टेयर से मेन वाली उसकी यहाँ पर भाई बात कर रहे थे। अब तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा धीरे से यहाँ पर उतर रहा हूँ, क्या पता अब की बारी यहाँ पर मेरा करेक्टर लास्ट में जाके यहाँ पर अटक जाए। पर यहाँ पर आप सब लोग देखते हो मैं लास्ट में आ चुका हूँ, अपना हल्के हल्के से यहाँ पर मैंने जॉयस्टिक को मूव कर रहा हूँ, फिर भी आप सब लोग यहाँ पर देखो हमारा करेक्टर तो यहाँ पर स्टेयर पर यहाँ पर अटक नहीं रहा है, बल्कि यहाँ पर मैं जंप भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर हमारा करेक्टर अटक नहीं रहा। आप सब लोग यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर कितनी बार यहाँ पर कोशिश कर ली, पर यहाँ पर अब आप सब लोग यहाँ पर देखो काफी ज्यादा धीरे से आ रहा, फिर भी यहाँ पर हमारा करेक्टर अटक नहीं रहा है यहाँ पर स्टेयर पर, भले यहाँ पर ओल्ड हो या फिर न्यू हाउस। ओल्ड का तो बाकी मेरे को पता नहीं है, मेरा करेक्टर यहाँ पर स्टेयर पर नहीं अटका, तो ये वाला मैथ हमारा बस्टेड है। अगर हम जैसे भी और डायनासोर में एक साथ बैठेंगे फिर होगा यहाँ पर मैजिक। यहाँ पर ये वाला मैथ को भी ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा मैजिक होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बाहर आ चुका हूँ, चलो फटाफट से यहाँ पर अपने जैसे भी को स्पॉन कर लेता हूँ 6677 के चीट कोड नंबर से। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने वेलोसिराप्टर डायनासोर को भी स्पॉन कर लेते हैं 5050 के चीट कोड नंबर से। यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। अब मेरे ख्याल से तो यहाँ पर मेरे को दो दो उंगलियां यहाँ पर इस्तेमाल करनी होगी। यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो इन दोनों के अंदर तो बैठने का बटन नहीं आ रहा क्योंकि वेलोसिराप्टर के अंदर इस तरफ यहाँ बटन आता है। यहाँ पर वेलोसिराप्टर को धकेल के जैसे भी के पास लेके आ चुका हूँ, दोनों के अंदर बैठने का बटन आ चुका है। दोनों के अंदर यहाँ पर मैंने बैठने का बटन यहाँ पर दबा दिया एंड आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा करेक्टर वेलोसिराप्टर के अंदर यहाँ पर बैठ चुका है। यहाँ पर देखो वेलोसिराप्टर के अंदर किस तरीके से यहाँ पर बैठा हुआ है, फर्स्ट पर्सन कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे को वेलोसिराप्टर के अंदर देखने का व्यू मिल रहा है, मतलब किसी भी के अंदर देखने का व्यू नहीं मिल रहा है। पर आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे वेलोसिराप्टर के अंदर बैठा किस तरीके से हुआ, इसका जो एक हिप का पार्ट है वो आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा यहाँ पर दूर हुआ हुआ है एंड यहाँ पर देखो हमारे करेक्टर के जो हाथ है वो यहाँ पर वेलोसिराप्टर से काफी ज्यादा दूर है, फिर भी भाई साहब यहाँ पर वेलोसिराप्टर को चला पा रहा है। भाई साहब यहाँ पर ये क्या सीन हो चुका है, यहाँ पर देखो मेरे जो करेक्टर की एक टांग है वो यहाँ पर नीचे भी हो चुकी है, यहाँ पर देखो इसकी टांगे भी यहाँ पर लंबी हो चुकी है और इसके हाथ भी यहाँ पर लंबे हो चुके हैं। चलो फटाफट से यहाँ पर मैं जेसीबी के अंदर बैठ के देखता हूँ, देखते हैं जेसीबी के अंदर बैठने के बाद यहाँ पर हमारा कौन सा यहाँ पर मैजिक होता है। चलो फटाफट से यहाँ पर मैं जेसीबी के पास आ चुका है, यहाँ पर मैंने जेसीबी के अंदर बैठने का बटन दबा दिया एंड भाई साहब यहाँ पर देखो इसने तो यहाँ पर जेसीबी से उतरने वाला यहाँ पर एनिमेशन किया एंड यहाँ पर फिर से यहाँ पर बटन को दबाता हूँ, यहाँ पर जेसीबी के अंदर बैठ जाता है। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब हमारा तो यहाँ पर पता नहीं कौन सा यहाँ पर खतरनाक सा हमारा मैजिक हुआ, मेरे को तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी यहाँ पर हमारा मैजिक नहीं हुआ, हमारा जेसीबी नहीं चल रहा था, हमारा सिंपल से यहाँ पर वेलोसिराप्टर डायनासोर चल रहा था और वेलोसिराप्टर के अंदर बैठने पर इसके हाथ और यहाँ पर टांगे लंबी हो चुकी थी, पता नहीं कौन सा यहाँ पर मैजिक हो चुका है। तो यहाँ पर वाला मैथ हमारा बस्टेड है यहाँ पर वाला। अगले मैथ की तरफ भी बढ़ लेते हैं। मैथ अगर हम लोग स्टेयरिंग लगाते हैं तो टैंक के अंदर स्टेयरिंग नहीं आता, अगर हम टैंक के पास कोई भी कार लाकर एक साथ बैठेंगे तो होगा मैजिक। तो चलो फिर यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने टैंक को स्पॉन कर लेता हूँ, फिर देखते हैं टैंक के अंदर यहाँ पर हमारा स्टेयरिंग आता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं टैंक के अंदर बैठ चुका हूँ, यहाँ पर देखो टैंक के अंदर तो यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर टच कंट्रोल से यहाँ पर आ रहे हैं। चलो फिर यहाँ पर मैं टैंक से उतरता हूँ, यहाँ पर हम लोग कोई भी अपनी यहाँ पर कार को स्पॉन कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर कार के अंदर एंड टैंक के अंदर दोनों के अंदर एक साथ बैठेंगे, फिर देखते हैं यहाँ पर कौन सा मैजिक होता है। यहाँ पर मैंने अपनी टार्जन कार को स्पॉन कर लिया, टार्जन कार के अंदर बैठूंगा तो आप सब लोग यहाँ पर पक्का पक्का स्टेयरिंग देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर मैं टार्जन कार के अंदर बैठ चुका हूँ, आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा स्टेयरिंग आ चुका है। चलो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर लगा देता हूँ टैंक के बाजू में यहाँ पर, अब यहाँ पर ठीक है। तो मैं अपनी टार्जन कार से उतर चुका हूँ, तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर बैठने का ऑप्शन आता है, सेम ही आता है। यहाँ पर मेरा करेक्टर टैंक के अंदर बैठ चुके हैं, अब आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा टैंक है वो अब हमारा यहाँ पर टच कंट्रोल से नहीं बल्कि यहाँ पर हमारा स्टेयरिंग से कंट्रोल हो रहा है, आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो। और भाई साहब अब हम लोग यहाँ पर अपने टैंक को फायर कैसे करेंगे, मतलब कि अगर हम लोग को यहाँ पर टैंक से अगर यहाँ पर आग का गोला फेंकना हो तो हम लोग यहाँ पर कैसे फेंकेंगे, वो तो मेरे ख्याल से अब हम लोग नहीं फेंक सकते। हम लोग इस ट्रिक को करने के बाद यहाँ पर अपने टैंक
स्टेयरिंग को स्टेयरिंग की मदद से यहाँ पर हम लोग चला सकते हैं। मेरे ख्याल से स्टेयरिंग को कोई यूज नहीं करता। अगर आप लोग स्टेयरिंग यूज करते हो किसी भी व्हीकल पर तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर हम लोग ये वाली ट्रिक करेंगे तो हम लोग टैंक के साथ यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील को चला सकते हैं, मतलब की टैंक को स्टेयरिंग व्हील की मदद से यहाँ पर चला सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला मैथ हमारा कन्फर्म है यहाँ पर ये वाला। तो गाइस बस आज की हमारी वीडियो के अंदर बस इतने कुछ मिस से जो कि आप लोग ने मुझे कमेंट किया, मैंने अपनी वीडियो के अंदर ट्राई किए। तो यार दोस्तों अगर आप लोग के पास अपना कोई मिथ हो तो आप लोग इसी वीडियो के नीचे अपना मिथ कमेंट कर सकते हो। आप लोग के मिथ को हम लोग अगली वीडियो के अंदर जरूर ट्राई करेंगे। अगर आप लोग के पास अपना कोई मिथ ना हो तो आप लोग अपना चीट का नंबर भी कमेंट कर सकते हो। आप लोग का मिथ होगा या फिर चीट का नंबर होगा हम लोग उसको अगली वीडियो के अंदर जरूर ट्राई करेंगे। बाकी अगर आप लोग हमारी वीडियो पसंद आए तो फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।